Dear students, welcome you all. I am Monica Dwivedi, Department of Home Science, Uttarakhand Open University. I welcome you all in the lecture series of Food Service Management. Today, we will discuss Unit 2, Type of Food Services and Food Management. Khadya Seva ke Prakar tatha Khadya Prabandhan, jiske aaj hum dvitiya bhag mein charcha karenge. Pichle bhag mein aapne padha कि खाद्य सेवा प्रबंधन में जो हम इस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अर्थात क्या उद्देश्य है हमारे इस इकाई को पढ़ने के, और इसके अतिरिक्त खाद्य सेवा प्रणालियों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने दो खाद्य सेवा प्रणालियों, परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली तथा कमिश्री सेवा प्रणाली, इनके बारे में पढ़ा. स्टूडेंट्स, आज हम अगली खाद्य सेवा प्रणाली अर्थात संयोजन खाद्य सेवा या असेंबली सर्विसेज, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संयोजन खाद्य सेवा क्या होती है. संयोजन खाद्य सेवा को सुविधा खाद्य सेवा अर्थात कन्वीनियंस फूड सर्विस सिस्टम भी कहा जाता है. इसमें खाद्य सेवा करने से पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में न्यूनतम पाक जो क्रिया है अर्थात पकाने की प्रक्रिया है उसका उपयोग होता है अथवा नहीं भी होता है. यह सेवा प्रणाली उन खाद्य सेवा संस्थानों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है या उपयुक्त है जहां पाक क्रिया के लिए स्थान, समय, सुविधा तथा विशेष कर्म कुशल उत्पादन कर्मियों की कमी होती है. इसमें मात्र भंडारण, संयोजन, तापीयन तथा वितरण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इसमें अत्यंत सीमित पाक उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है. संयोजन सेवा के अंतर्गत खरीद एवं प्राप्ति के क्रम में निर्मित खाद्य पदार्थों के शुष्क अवस्था में अथवा हिमाच्छादित अवस्था में अथवा प्रशीतित अवस्था में भंडारित किया जाता है. इस प्रणाली के अंतर्गत जो विभिन्न विधियां हैं या जो इनके विभिन्न प्रकार हैं या प्रस्तुतिकरण की विभिन्न जो विधियां हैं वो निम्न प्रकार है. पहली होती है टेबल सेवा. टेबल सेवा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे जाके मेन्यू कार्ड आपको दिया जाता है, उसमें से आप अपना जो भी आपको पसंद होता है वो व्यंजन उसमें से सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, उसके बाद आप उसका ऑर्डर देते हैं. तो इस प्रकार से आपने ऑर्डर दिया और वेटर आता है, वेटर आपका ऑर्डर लेके जाता है, अंदर आप किचन में आपका फूड तैयार किया जाता है, व्यंजन तैयार किया जाता है जो कुछ ही मिनटों में या कुछ समय में आपको आपके टेबल पे उपलब्ध हो जाता है. यह टेबल सेवा होती है. इसके बाद कार्ड सेवा. कार्ड सेवा में इसमें आंशिक रूप से पका हुआ खाद्य उत्पादन किचन से ट्रॉली में सर्विस क्षेत्र में लाया जाता है, उसके बाद उसे वहीं पे गर्म करके या जिस भी प्रकार से आप उसकी पाक क्रिया को पूर्ण करना चाहते हैं इस प्रकार से डाइनिंग रूम में या फिर उसमें आपको दे दिया जाता है. इसके बाद आती है बुफे सेवा. बुफे सेवा में आप अपनी इच्छा से खाद्य पदार्थ इच्छित मात्रा में अपनी प्लेट पे लेते हैं, जैसा कि शादी या पार्टीज वगैरह में होता है. वहां पे टेबल में सारे फूड, जितने भी उनके फूड आइटम्स होते हैं वो वहां पे डिस्प्लेड होते हैं, आप उसमें से अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें वो ले सकते हैं. कैफेटेरिया सर्विस. कैफेटेरिया सर्विस जिसे आपने देखा होगा आप हॉस्टल्स में देखे या फैक्ट्रीज जो होती है वहां पे, तो जिस इन स्थानों पे जो भी कैंटीन चल रही होती है वो कैफेटेरिया सर्विस में आती है. अर्थात यहाँ का एक फिक्स मेन्यू होता है और उस मेन्यू में जो भी उस दिन मतलब डेज पर डे के हिसाब से मेन्यू फिक्स होता है और उस दिन का जो मेन्यू होगा वो व्यंजन आपके सामने बन के आ जाएगा, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्लेट में ले सकते हैं. एकल सेवा केंद्र. एकल सेवा केंद्र ऐसे होते हैं जहां पे एक ही काउंटर पर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ एक ही काउंटर पर, मतलब जो भी उनका भोजन होगा वो सब एक ही काउंटर से मिलेगा. जैसे आपने देखा होगा ठेले वगैरह लगाए जाते हैं, तो इस प्रकार से वे फूड छोटे छोटे फूड कॉर्नर जो बने होते हैं उसमें आप देखा होगा कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है, एक ही काउंटर से आपको सभी चीज आप वहीं पर ऑर्डर देते हैं और आपको वहीं से प्राप्त हो जाता है. इसके बाद आती है रूम सर्विस या रूम सेवा. रूम सर्विस अधिकांशतः या कह लीजिए प्राय होटल्स में होती है, जहां पे आप किसी होटल में रहते हैं और वहां पे स्टे कर रहे होते हैं, आप रूम से ही कॉल करके जो उनका मैनेजमेंट होता है उसे कॉल करके अपने इच्छा अनुसार जो भी आप व्यंजन या जो भी फूड आप प्रेफर करते हैं वो आप उसे रूम में ही मंगा लेते हैं, तो आपकी इच्छा अनुसार उतना ही फूड आपके रूम में उपलब्ध हो जाता है. इसे रूम सर्विस कहते हैं. ट्रे में और ट्रॉली में वगैरह में रख के इसको रूम में लाया जाता है. एक अन्य सेवा होती है ब्लू प्लेट सेवा. ब्लू प्लेट सर्विस या ब्लू प्लेट सेवा
इसमें उपभोक्ताओं के एक छोटे समूह के लिए भोजन सर्व करने के ब्लू प्लेट सर्विस का प्रयोग किया जाता है। होटल तथा रेस्टोरेंट में भोजन थाली की, इसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां के मेन्यू कार्ड में एक लिखा होता है वहां की फूड, आप कहते हैं फूड भोजन थाली या फिर कुछ टाइप से फूड थाली तैयार होती है, तो अगर आप उसे एक फूड थाली का ऑर्डर देंगे तो उसमें जो जो उन्होंने आइटम्स लिखे होंगे कि उसके अंतर्गत दिए जाएंगे वो आपको पूरे उसमें प्लेट के अंदर मिलके आपको सर्व हो जाएंगे। अब ये तो आपकी सारी खाद्य प्रणालियां हैं जिसको हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। अब हम बढ़ते हैं खाद्य प्रबंधन एवं प्रबंधन के साधनों की ओर। लिचफील्ड के अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया एक उन प्रक्रियाओं का या क्रियाओं का चक्र है जिसमें पांच चरण क्रमशः आयोजन, कार्यक्रम बनाना, वैचारिक आदान प्रदान करना, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि निहित होते हैं। निकल एम डॉर्सी के अनुसार प्रबंधन के चार चरण हैं जो निम्न के अनुसार हैं। सबसे पहले आता है आयोजन अर्थात प्लानिंग, संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजिंग, नियंत्रण कंट्रोलिंग, मूल्यांकन इवेल्युएशन। आयोजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे या हम सीखते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसका आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, उसमें कौन कौन से चरण होंगे और उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और उसके अंतर्गत क्या क्या हमें हमारी आवश्यकताएं रहेंगी, इस प्रकार से पूरी प्लानिंग इस चरण के अंतर्गत कर ली जाती है। उसके बाद आता है संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है आपने अभी ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से चरण आएंगे, अब इसमें आप ही डिसाइड करते हैं कि किस चरण के बाद कौन सा चरण आएगा, किन 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 व्यक्तियों की आपको आवश्यकता होगी, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इस सबको ऑर्गेनाइज करना इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है कि आपने जैसे कोई एक फूड यूनिट स्टार्ट करी, अब आपको उस पर कंट्रोल भी करना है कि जिस व्यक्ति को आपने जो कार्य दिया है वह कार्य कर रहा है, आपकी जो फूड आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या आपकी गुणवत्ता आपके मानकों पे खरा उतर रहा है, अगर उसमें कुछ कमी है तो आपको उसको वहीं पे रिजोल्व भी करना है, सही करना है, जिससे कि आपकी जो स्टैंडर्ड है आपके अपने वो कायम रहे। अंतिम होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी आप यही सब देखते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट आ रहा है वो सही बन के आ रहा है या अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप पुनः उस रेसिपी को या फिर पुनः जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं उसको आप रिवाइज करके देते हैं ताकि आपका फूड प्रोडक्ट आपके मानकों पे खरा उतरे। अब बात करते हैं प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं जो आप इसमें आप फूड मैनेजमेंट जो कर रहे हैं खाद्य प्रबंधन, इसमें किन किन कार्यों को आप कर रहे हैं। आयोजन कर रहे हैं अर्थात एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, समन्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सब छह इनके आधारभूत कार्य हैं। तो जैसे कि नाम से ही आपको सब समझ में आ रहा है और कुछ मैं आपको उसमें बता भी चुकी हूँ, नियंत्रण क्या है बता चुके हैं, मूल्यांकन क्या है पढ़ चुके हैं, समन्वयन इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वन वर्कर टू अनदर वर्कर एंड टू यू इफ यू आर द ओनर ऑफ दैट यूनिट, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है। निर्देशन, निर्देशन की आवश्यकता, इफ यू आर लीडर देन यू हैव टू डायरेक्ट ऑल द मेंबर्स और ऑल द वर्कर्स ऑफ योर यूनिट, दैट्स व्हाई ये एक रीजन होगा कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के रूप में कार्य करेगा। प्रबंधन के साधन, अब आप अगर अपने उसमें फूड मैनेजमेंट या खाद्य प्रबंधन करना चाहते हैं तो क्या क्या साधन हैं जिनसे आप फूड मैनेजमेंट करेंगे। संगठन लेखा चार्ट, कार्य निरूपण, कार्य विशिष्टता, कार्य समय सारणी, कार्य विश्लेषण, बजट, नेतृत्व, प्रशिक्षण, निर्णय प्रक्रिया, संप्रेषण। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। संगठन लेखा चार्ट क्या होता है। संगठन लेखा चार्ट इसके माध्यम से कर्मियों का पद, अधिकार, कार्य की प्रकृति, निर्णय लेने का क्रम तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के मध्य व्यावसायिक संबंध के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला आता है कार्य निरूपण। इसके अंतर्गत हम किस व्यक्ति को कौन सा कार्य आवंटित किया गया है उसके बारे में समझते हैं। कार्य विशिष्टता, कार्य विशिष्टता अर्थात किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को रखा गया है या रखा जाना है, इसका उसमें विवरण होता है। कार्य की समय सारणी अर्थात इसमें कार्य की समय योजना को इसमें बनाया जाता है कि इसके निर्माण हेतु प्रबंधक एक निश्चित समय में किए जाने वाले वांछित कार्यों की समय सारणी
बनाता है। कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण अर्थात कार्य की प्रकृति या फिर प्रगति कहिए या कार्य किस स्तर पे कौन सा कार्य किस प्रकार से हो रहा है उसका विश्लेषण किया जाता है। बजट, बजट का तात्पर्य किसी संस्थान के सफल संगठन और संचालन हेतु अनुमानित वित्तीय आवंटन से होता है। खाद्य सेवा इकाई में प्रायः तीन प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, एक होता है प्रधान बजट, पूंजी बजट और परिचालन बजट। प्रधान बजट यह इकाई का कुल बजट होता है जिसमें निवेश, परिचालन लागत तथा अन्य बढ़े हुए व्यय हेतु आवंटन सम्मिलित होते हैं। पूंजी बजट, पूंजी बजट में पूंजी निवेश, स्थायी भौतिक संसाधन तथा ऋण राशि आदि सम्मिलित होती हैं। परिचालन बजट विक्रय उत्पाद, मानव श्रम, बढ़े हुए ऊपरी खर्चे तथा खाद्य एवं अन्य संसाधनों के लिए आवंटित धनराशि का लिखित अनुमानित विवरण परिचालन बजट कहलाता है। अब अगला साधन आता है नेतृत्व। नेतृत्व जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लीडरशिप, लीडर लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी उसका ओनर होगा या जो भी उसमें लीडर होगा उसका क्या महत्व है, वह क्या कार्य करता है, मनोबल एवं आत्मविश्वास का सृजन करता है समस्त कार्मिकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में सुरक्षा प्रदान करता है, सहयोग का आधार है, दल भावना का विकास करता है, अभिप्रेरणा का स्रोत है, प्रबंधकों के लिए सुविधा प्रदान करता है। नेतृत्व के तीन प्रकार होते हैं, तानाशाही नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, उन्मुक्त नेतृत्व। तानाशाही नेतृत्व में जो नेता होता है उसका पूरा कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में और हर कोई काम उसके ही इशारे से होता है कह सकते हैं इसे, या फिर उसी की आज्ञा से या उसी की परमिशन से सारे कार्य होते हैं। जैसा वो चाहता है वो हर व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में हर व्यक्ति को उसके कार्य आवंटित होते हैं और वह व्यक्ति अपना कार्य स्वयं से करता है, उस पर कोई इस प्रकार का बर्डन नहीं होता, कोई इस प्रकार का प्रेशर नहीं होता कि उसे यही कार्य करना है, उसे जो कार्य दिया गया है वो उस कार्य को करता है। उन्मुक्त नेतृत्व में सारा जो डिसीजन होता है वो वर्कर्स लेते हैं या जो उसके कर्मचारी हैं वो लेते हैं। इसमें जो आपका नेता होता है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता और वे अपने हिसाब से जो व्यक्ति जो चाहे वो कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार की जो नेतृत्व प्रणाली है उन्मुक्त नेतृत्व, ये कम सक्सेसफुल होती है और एक सफल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम लाभकारी है। और प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है वो सबसे अधिक ज्यादा प्रभावशाली भी है और लाभकारी भी होता है। फिर आते हैं प्रशिक्षण में। प्रशिक्षण कार्मिकों की सामर्थ्य, योग्यता तथा कार्य निपुणता बढ़ाने अथवा अभिवृद्ध करने की प्रक्रिया को ही प्रशिक्षण कहते हैं। अर्थात आपने जो कर्मचारी रखे हैं उन्हें समय समय पर आगे कोई नए टेक्नोलॉजीज हैं या कोई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, नई कोई मशीनरी आ रही है या कोई नई मेथड आ रही है, तो उससे उनको रूबरू कराना, उससे उनको जिससे कि उनका ज्ञान बढ़े और वो अपने उसमें और ज्यादा अच्छे से काम कर सके अपने फील्ड में। निर्णय प्रक्रिया, सर्वश्रेष्ठ कार्य विकल्प का चयन करने की मानसिक प्रक्रिया को निर्णय प्रक्रिया कहते हैं और यही कुशल प्रबंधन की कुंजी है। ये हर प्रबंधन की कुंजी है, यह होम मैनेजमेंट की ही नहीं, हर मैनेजमेंट की कुंजी निर्णय प्रक्रिया है, जो कि पूरी जो आपकी प्लानिंग और जो आपका पूरा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सफलता और विफलता इसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है संप्रेषण। संप्रेषण इज आपका विचारों का आदान प्रदान या आपस में बातचीत। ये बहुत आवश्यक है कि जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे और अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे, किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपनी द्वितीय यूनिट जो कि फूड सर्विस, टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज एंड फूड मैनेजमेंट है, इसको यहाँ पे पूर्ण करते हैं। और आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपनी नेक्स्ट सीरीज में हम अपनी तीसरी यूनिट को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।